नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पाकिस्तान में इन दिनों इमरान सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में ही बलूच विद्रोहियों ने जंग का ऐलान कर दिया है। बलूचियों का ये विद्रोह अलग मुल्क बलूचिस्तान की मांग को लेकर है। इस दौरान बलूचियों ने पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को भी बम से उड़ा दिया है, जिसके बाद तो इमरान सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। पाकिस्तान अखबार दी डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर शहर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को बलूच विद्रोहियों ने बम से उड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने बमबारी की जिम्मेदारी ली है। जिन्ना की मूर्ति इस साल की शुरुआत में मरीन ड्राइव पर लगाई गई थी, जिसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि कुछ आतंकवादियों ने प्रतिमा के नीचे एक विस्फोटक उपकरण रखा और उसे उड़ा दिया। एक अधिकारी ने डॉन न्यूज को बताया कि मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी तक विस्फोट की प्रकृति का पता नहीं चल पाया। रिपोर्ट के मुताबिक बम निरोधक दस्ता घटना की जांच कर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने आजादी के बाद बलूचिस्तान पर हमला कर दिया था और पूरे क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। उसके बाद से बलूचिस्तान में लगातार आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारों ने बलूचिस्तान में हिंसक ऑपरेशन चलाया और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की सेना ने हजारों बलूचों को गायब भी कर दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। उधर पिछले कुछ सालों में बलूचों का हमला काफी बढ़ गया है और बलूच विद्रोही पाकिस्तान की सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।